अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका दोस्त आपका भाई आफ्ताब अशरफ एक नए ब्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं, कुछ मसरूफियात थी और मैं थोड़ा बिजी था, कुछ बीमार था, इस वजह से मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा तो अल्लाह ताला आप सबकी भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इस टाइम ये हमारे सामने खड़े हैं हमारे शाहिद भाई। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हैं? ये हमने एक शाहिद भाई से मुलाकात की है, इन्होंने एक नया शो किया है, ये इन्होंने पैरट्स वगैरह रखे हैं, लव बर्ड्स भी रखेंगे इसके अलावा। तो शाहिद भाई थोड़ा बताएं इनके बारे में कि ये आप कैसे शो पड़ा। मैं यूट्यूब पर देखता रहता था, तब मुझे शौक हुआ कि मैं मैटी प्रिंट दे रखूँ। अब मैंने ये रखे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा है और अब माशाल्लाह मेरे तमाम फैंस ने रीड भी करनी है और बच्चे भी माशाल्लाह बड़े बड़े हो रहे हैं। अभी आपको ये भाई दिखाएंगे, आपको बच्चे भी दिखाएंगे, इनके बच्चों के पास निकल चुके हैं और कुछ बच्चे अभी प्रोसेस में चल रहे हैं। कुछ परिंदे भी अंडे देने के दरमियान हैं, कुछ बच्चे निकाल चुके हैं और कुछ के बच्चे बड़े हुए हैं। बहरहाल बहुत मज़ा आ रहा है इस काम में। मैं सबको कहूँगा कि वो भी घर बैठ कर ये काम करें क्योंकि इतना टफ नहीं है, सफाई वगैरह इतना मुश्किल काम नहीं है। बैठने का ख्याल रखें, परिंदों का ख्याल रखें, मौसम के हिसाब से जो उन्हें ढकें, उनको पानी गर्म दें, उनके खाने का ख्याल रखें, और परिंदे भी आपको आउटपुट दें अगर आप उनका ख्याल रखेंगे। अक्सर लोग इनका ख्याल नहीं रखते और इनको प्राइवेसी फ्राहम नहीं करते, उनकर से बचाते नहीं हैं और फिर परिंदों को ब्रीड नहीं करते तो वो कहते हैं हमारे परिंदे तो ब्रीड नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं होता। आप परिंदों का भरपूर ख्याल रखें, उनकी हर चीज़ पर तवज्जो दें, उनकी एक्टिविटीज़ पर तवज्जो दें कि वो क्या चाह रहे हैं, उस तरह से बोल दें उन्हें, वो आपके यहाँ भी ब्रीड करेंगे और जब ब्रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और तमाम लोग इन्हें घर में रखें ताकि सबका एक फायदा हो। तो सर भैया आपने पीछे भी चेंज लेकर रखे हैं। नेक्स्ट प्लान मेरा ये गेम लेने का मकसद है कि मैं अब ये क्योंकि एक सबकी मोटिवेशन है प्रीमियम, मेरा अब नेक्स्ट प्लान है लव बर्ड रखने का और बड़े लेवल पे रखने का है, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। एक केज में बनी एक पोर्शन का और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं परिंदे और तो शायद भाई ये क्या लगाया हुआ आपने, ये इसके बारे में तो बताइए क्या। ये टेम्परेचर मीटर है, ये परिंदों के साथ लाजमी लगाएं ताकि बढ़ते हुए टेम्परेचर के मुताबिक आप उनको ट्रीटमेंट कर सकें। अगर सर्दी ज़्यादा है तो उन्हें डांपें, उन्हें गर्मैश दें, बल्ब वगैरह लगाएं, अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा तो आप पंखा वगैरह चलाएं या कूलर का इस्तेमाल करें और हवा में नमी का तनासुब भी आपको हर वक्त बताता रहता है, जिससे ये देखें ये टेम्परेचर आ रहा है 16.1 है और हवा में नमी का तनासुब इस टाइम 66 है। तो हवा में नमी का तनासुब 60-80 के दौरान होना चाहिए जब परिंदों ने अंडे दिए हों। शायद भाई आपने खुले में रखा हुआ है यहाँ पे? नहीं, ये हमने अपने गैराज में रखा हुआ है, ऊपर इसके छत भी है, सामने से धूप भी आती है। परिंदों पर सारा दिन में तकरीबन चाहे आधा घंटे के लिए धूप आए प्राय या धूप लाजमी खेलनी चाहिए, इससे परिंदे एक्टिव रहते हैं और बीमार होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जी फिलहाल हमने शाहिद भाई से इतना इंटरव्यू लिया है, मजीद जो है हम इनके साथ अटैच रहेंगे और ये अपने अल्लाह ताला के इस कारोबार में बिजनेस में बरकत डाले और इंशाल्लाह बाकी जो है शाहिद भाई नए बर्ड्स लेकर आएंगे तो हम ज़रूर उनके बारे में भी ब्लॉग बनाएंगे और आप भाइयों के साथ शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।